मध्य प्रदेश बीजेपी की दिल्ली में बैठक के बाद शिवराज मंत्रिमंडल में जल्दी बदलाव देखने को मिलेगा। बता दें कि आगामी चुनाव को देखते हुए खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों की छुट्टी होना तय माना जा रहा है। वहीं ऐसे कई नाम हैं जिन्हें अब मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और खराब प्रदर्शन वाले मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। बता दें कि आगामी चुनावों को देखते हुए बीजेपी कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती है। यही कारण है कि ऐसे मंत्री जिनका रिकॉर्ड कमज़ोर है या वह अपने क्षेत्र में कमज़ोर दिखाई दिए, उनकी छुट्टी तय मानी जा रही है। माना जा रहा है कि यदि 4-5 मंत्रियों को बैठाया जाता है तो जल्द ही 10 नए चेहरे शिवराज मंत्रिमंडल में अपनी पारी की शुरुआत करेंगे। वहीं दिल्ली में हुई बैठक में यह भी चर्चा की गई कि जिन मंत्रियों के पास 2 विभाग है उन पर से भार कम किया जाए। वहीं जो नए 5 विधायक मंत्री बनने वाले हैं उनमें संजय सत्येंद्र पाठक, रामपाल सिंह, सुलोचना रावत, गौरी शंकर बिसेन और राजन शुक्ला के नाम की चर्चा है। ये मंत्रिमंडल विस्तार कई मंत्रियों को झटका देने वाला है। यही कारण है कि शिवराज के मंत्रियों की दिल्ली दौड़ भी खूब हो रही है।